स्वागत, रंग भरी खुशियाँ हो, नए रंग शुभकामनाओं के साथ, हंसी के सुंदर फूल खिले, महके क्यारी क्यारी। ए, ये क्यारियाँ, ये फूल, ये रंग आज तो बड़े रंग में नजर आ रही है। हाँ, रंग में रंग आ ही जाता है जब कोई हंसता मुस्कुराता है। आज परिहास में हम करेंगे रंगों की चर्चा, सौंदर्य की चर्चा, एक ऐसी चर्चा जो चर्चा में चार चांद लगा दे। ये चोखी एक बात तो बता, ये चार चांद लगाए जाने की बात क्यों कही जाती है? क्या इससे चांद की रोशनी चौगुनी हो जाती है? स्टॉक में एक्स्ट्रा चांद रहे तो हर्जी क्या है? पर सौंदर्य के कोई मापदंड नहीं होते, वो किसी ने कहा है ना, या यो कहे साबुन के बुलबुले की चीरफाड़। अरे वो गाना है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीलिया के कोई राज है इनमें गहरा तार। बस बस, तू हमेशा चांद से गाने पे क्यों पहुंच जाती है? अरे तुझे पता है आजकल तो मेकअप ने कमाल ही कर दिया है। अच्छा, किसी की सही उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ? एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, यहाँ से जाने वाली किसी भी महिला को देखकर सीटी ना मारे, वो महिला आपकी दादी या नानी की उम्र की हो सकती है। इसीलिए तो कहती हूँ अपना हुलिया ठीक करवा ले। वैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही चलन हो गया, पर मैंने सुना है कि बहुत ही महंगी है। ए अनोखी, तू करवा ले। नहीं नहीं नहीं, तेरे झुर्रियां नहीं है लेकिन तू बुजुर्ग सी लगती है, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरी तरह सुंदर और कोमल दिखे, जिससे तेरे जीवन में भी निखार आ जाए। अरे चल चल, रूप के तिलिस्म की कुंजी कईयों के पास होती है। ए, वो हरीश है ना, मेरी चाची का लड़का। हाँ हाँ। अरे वो कह रहा था कि जब मैं शादी करूंगा ना तो अपनी दुल्हन को बाहर नहीं ले जाऊंगा। क्यों? उसने शर्माते हुए बोला, वो आंखों से शराब छलकाती हुई नाजनीन होगी, और तुम्हें तो पता है सार्वजनिक स्थानों पर नशीली चीजें ले जाना मना है। वैसे चोखी, अब तो तू बुजुर्ग सी लगने लगी है, तुझे अपनी सुंदरता बनाए रखने के सस्ते घरेलू टिकाऊ तरीके पता हो तो? हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ कि ढंग से तैयार होकर जरा पार्टी शार्टी में जाया करूँ। लेकिन मैंने कोशिश नहीं की, वो क्या है ना, नई चीज आजमाने का कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन मौसी ने तो लिया। चल तुझे दिखाती हूँ मौसी की पार्टी में जाने की तैयारी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है मौसी, बहुत चहक रही हो, जरा नेल पॉलिश तो उठाना। आई मैंने क्या पकड़ रखी है, खुद हाथ बढ़ाकर उठा ले। आपके मोटापे के आगे हमारी एक नहीं चलती है, थोड़ा तोन तो अंदर कर लो। अरे चल परे हट, पहले मुझे तैयार हो लेने दे। तो क्या एक साथ लगा लोगी सब कुछ? थोड़ा शीशे से अलग हटकर लगा लो, हम भी तैयार हो ले। अरे तुम इस तरह से टाइम बर्बाद करोगी तो पार्टी को लेट हो जाएंगे। मैं तो पूरा मेकअप करके ही हटूंगी, और पार्टी वैसे भी कोई इतनी जल्दी थोड़ी ही खत्म हो जाएगी। आज तो जाली है पार्टी में, जरा शीशे से थोड़ा हट जाइए, हम लोग भी तैयार हो ले। आए हाय, कैसे इतरा रही है, कमाल है ये छोरी। अरे तुझे वहाँ कोई देखने आ रहा है जो ऐसे मचल रही है? तुमसे तो कम ही इतरा रही हूँ, और इस उम्र में। इस उम्र से क्या मतलब है रे तेरा, मैं क्या कोई बुढ़ी हूँ? वैसे भी इतराने इतलाने की कोई खास उम्र होती है क्या? जानती है आज तेरे मौसा जी कह रहे थे पार्टी में फालतू की चीजें ले जाने की इजाजत है, तुम चलोगी? फालतू की चीजें? हम सब फालतू नहीं है। अरे इस फालतू की बातें छोड़ो, मौसा जी का आने का अभी टाइम है। बहू तुम्हारे यहाँ और तो सारा सामान है लेकिन न लिपस्टिक है न पाउडर है। पाउडर? मौसी तुम वैसे इतनी गोरी हो, पाउडर की क्या जरूरत है? अरे पाउडर लगाऊंगी ना तो देखना, तेरे मौसा जी मुझे देखते के देखते ही रह जाएंगे। वो जैसे वो पॉलिश करके किसी चीज को चमकाते हैं ना, वैसे मैं पाउडर लगा कर गोरी हो जाऊंगी। तुम्हें तो ना जाने कौन कौन देखेगा और ठगा सा रह जाएगा। ये लो सामान। ये पकड़ना जरा। देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं, गोरी गोरी हो गई मैं, गोरी गोरी। अरे वाह, तुम तो बहुत गोरी हो गई,
अब हमें भी गोरा हो जाए। अरे मेरे को रोक रखा है, वैसे भी चेहरे चेहरे की बात होती है। ठीक कहती हो तुम, मैं तो अपने चेहरे पे कुछ भी ना लगाऊं तो भी सब कुछ अच्छा लगता है। लोग कहते हैं सब कुछ फरता है। अरे भाभी, तुम्हारे और मौसी चेहरे में काफी फर्क है, कहाँ चिकना चेहरा और कहाँ गांव की उबड़ खाबड़ सड़क। ए छोरी, क्या मत बोले रे तेरा। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ लोग पार्टी में गांव वाले आने वाले, उनके बारे में बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो तेरी मौजा तो मुझ पर हर वक्त लट्टू रहती है और जाती है। शादी से पहले तो मेरे आगे पीछे ऐसे मुंडराते रहते थे वो। वैसे मौसी, तुमने ये मेकअप करना सीखा कहाँ से? अरे गांव में मेरी एक सहेली थी बसंत, उससे। वो कहती थी कि काजल ऐसे लगाना चाहिए आंखों में कि जो छोटी सी आंख है ना, ये भी बड़ी दिखे। ओहो, इस लाइट को भी जाना था। अरे फाउंडेशन ऐसा लगाओ कि नाक एकदम नुकीली नजर आए, और लिपस्टिक, लिपस्टिक तो ऐसे लगाओ कि तुम्हारे होंठ जो है वो भी गोल पतले नजर आए, ऐसे ऐसे पूरा चेहरा बदल के रखो। भाभी, मौसी को तो देखो क्या बन गई। वाह, मौसी अच्छा आ गई आज। पर भाभी, आपने इतनी गाढ़ी लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? यही तो बात है, मामला झकास हो तो पार्टी में क्या रंग आएगा। अरे वाह, क्रीम पाउडर के बाद क्रीम तो मैंने लगाई नहीं। अगर पाउडर के बाद क्रीम लगाओ ना, तो उससे ना तो पाउडर पसीने से उतरता है और ना ही पानी गिरने से, तो मैं लगा ही लेती हूँ ये। मैं भी काजल डाल लेती हूँ, बुरी नजर से बची रहूंगी ना। खूबसूरती देखकर बुरी नजर पड़ती है। भाभी तुम तो ठीक कहती हो, मेरे भी डालो ना काजल थोड़ा सा। अरे ये तो तू खुद ही डाल ले, खुद ही डालना सीखना चाहिए, इसे तो खूबसूरत दिखेगी। अरे हट पड़े, ला मुझे दे काजल, मैं उसे लगा लेती हूँ। ये पकड़, आ इधर आ, लगाऊं तेरे मैं काजल। नाती, अरे हिल क्यों रही है? अरे अरे लगाने तो दे। अरे क्या कर रही है तू? सीधा कर, एक तो काजल लगवाने के लिए बोल रही है और ऊपर से नखरे दिखा रही है। नहीं तो देख, देखो काजल लगा दे, कितना सुंदर सुंदर सा। मौसी कुछ मोटा मोटा है और आंख में भी कुछ चला गया है। अरे कुछ नहीं किया, अरे बड़ा बड़ा काजल लगाने से ना आंखें बड़ी बड़ी दिखती है और बड़ी बड़ी आंखों की तो बात ही कुछ और है। अरे भाभी, तुम्हारी आंखें भी तो हिरनी जैसी लग रही है। मेरी आंखों की तो सभी तारीफ करते हैं और तुम्हारे भैया तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। जरा वो लिपस्टिक तो देना। अरे मौसी, अभी तो लगाई इतनी, अब कितनी लगाओगी? तुझे इससे क्या, लिपस्टिक दिखा तो सही। ये लो, थैंक यू। अरे वाह मौसी, तुम्हारे गाल तो टमाटर जैसे लाल हो गए, आज तो मौसा जी की खैर नहीं है। यही तो बात है, तुम लोग जो सीख रही हो ना, वो तो मैं सीख कर छोड़ चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल है भाभी, तुम तो बड़ी सुंदर दिख रही हो। कमाल है मौसी, आज तो बिजली गिरा रही हो। बिजली मैं यहाँ गिराती हूँ और झटका तेरे मौसा को दफ्तर में लगता है। अब मेरी एक और अदा देखो, क्यों कैसी लग रही हूँ मैं? कमाल की लग रही हूँ मौसी, बिल्कुल फिल्म हीरोइन की तरह। गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा। पर मौसी, पार्टी में चश्मा तुम लगाओगे कैसे? अरे क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि पार्टी तो रात को होगी और रात को काला चश्मा थोड़ा ही लगाते हैं। अरे रहने दे रहने दे, मुझसे मजाक मत कर। हाँ, रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी जिस काम के लिए मन करे ना, बस वो कर लेना चाहिए। तू जानती है ये जो चश्मा है ना, ये तेरे मौसा जी ने मुझे शादी की पिछली सालगिरह पर दिया था। मौसा जी जरा गा के बताइए मौसी कैसी लग रही है। अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ बोलना आता होगा तो ना। अरे भगवान, तुम तो रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं नहीं मौसा जी, आपको गा के बताना होगा। गा के
अच्छा गाता हूँ सुनो। ऐसे ऐसे चेहरे पे काला काला चश्मा, आहा आहा। ऐसे ऐसे चेहरे पे काला काला चश्मा, तो बाखुदा खैर करे इनसे है बचना। ऐसे ऐसे चेहरे पे काला काला चश्मा, आहा। अरे मुझसे ही गलती हो गई जो इसे चश्मा लाकर दे दिया, दिन रात जब देखो लगाए रहती है। तुम्हारा मतलब है कि मैं? नहीं नहीं मौसी, रोना नहीं, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा, पार्टी में नहीं जाना आपको। तुमसे तो मैं घर जाके सुलटूंगी। अरे सुलट लेना सुलट लेना, जल्दी करो, यहाँ क्या लो नौटंकी लगा रखी है, चलो। पर मैं अभी कैसे जा सकती हूँ ना, इस लड़की ने मेरे मेकअप पर क्रॉस जो लगा दिया है। लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं नहीं मैं अपने आप ठीक करूंगी। हाँ अरे ठीक तो है, क्रॉस लगा दिया है ना भगवान, लगा तो दिया है। पर मैं क्रॉस पहले ठीक करूंगी, तुमने सुना नहीं? अरे तो कर लो। मैं ये लगाऊंगी। अरे ये क्या मौसी, इससे पहले लगाइए क्या? क्यों, तुम्हें खतरा है कि मैं ये सारा खत्म कर दूंगी? नहीं मौसी, ये तो सफेद बालों को काला करने की क्रीम है। मैंने तुझे लगाई है। इससे पहले क्या क्या लगाया? अभी बताती हूँ। ये लगाई क्या मैंने? ओ ये तो ब्लीच है, इसकी तो डेट ही निकल चुकी है। हराम, ये तुमने लगाई है, ये पकड़ो जी, मेरे चेहरे पर तो बहुत जलन हो रही है, मैं वही तो सोचूं। तुम्हारे हर कारनामे का भुगतान मुझे ही करना पड़ता है। अरे यहाँ मेरे चेहरे पर जलन हुए जा रही है और ये आदमी है कि मुझे कोसे जा रहा है। क्या मौसा जी, मौसी को इतनी परेशानी हो रही है और आप मजाक किए जा रहे हैं? अरे देखो तो कैसी लग रही है हिडम्बा सी। अपनी जुबान को लगाम दो, अरे कोई रोको ऐसे बुड्ढे को। लगाम, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। अरे मैंने कितने लोगों से मिलना था पार्टी में, सारे प्रोग्राम को कचरा कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूं? अरे अपने थोबड़े की सलामती चाहती हो तो चलो डॉक्टर के पास, चलो चलो ना यार, चलो। अरे क्या कर रही है, चलो चलो चलो। अरे चलो हाय राम, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, चलो चलो। अरे चलो ना यार। वाह भाई वाह, लगता है मौसी जी ने बचपन में नौटंकी कुछ ज्यादा ही देख ली होगी। हाँ धन्य है मौसा जी जो उनको अब तक झेल रहे हैं। अरे एक बार तो गजब ही हो गया, मौसी सिनेमा देखने गई तो? हाँ तो क्या हुआ, वहाँ भी सज धज के गई होगी। अरे नहीं, लिपस्टिक लगाना ही भूल गई। उन्होंने पर्स से शीशा निकाल कर देखा, जैसे ही पिक्चर शुरू हुई हॉल में अंधेरा हुआ, उन्होंने झट से पर्स खोला, लिपस्टिक निकाली, अपने होठों पर लगाई, थोड़ी थोड़ी गालों पर भी, और हे भगवान। अरे तो भाई इसमें हंसने की क्या बात है? अरे उन्होंने लिपस्टिक की जगह काली स्टिक अपने होठों और गालों पर लगा ली थी। जैसे इंटरवल हुआ मौसा जी बाहर गए, उन्होंने फिर से शीशा निकाला, अपना चेहरा देखा, उनकी तो चीख ही निकल गई। उन्होंने रुमाल निकाला, अपना चेहरा लगी पोंछने, तेरगड़ा, उनका पूरा मुंह काला हो गया। उन्होंने घूंघट निकाल लिया, बेचारी पूरी पिक्चर उन्हें घूंघट में ही देखनी पड़ी। जब मौसा जी ने उन्हें देखा तो हैरान हो गए, लगे कहने अगर घूंघट ही निकालना था तो घर ही रहती, यहां क्यों आई। उन्हें बाद में पता चला कि मौसी का मुंह काला देखकर फिल्मी पर्दों के सितारे भी कहीं चीखना पड़ते। बस बस बस, तेरी ये बेतुकी बातें मेरी समझ से तो परे है। वैसे अगर काली स्टिक बालों पर लगा ली जाए तो उसमें बुराई भी क्या है? हाँ हाँ तो पूरी पोतले, लेकिन किसी का आशीर्वाद मत ले। अरे क्यों, आशीर्वाद लेने से क्या रंग उड़ जाएगा? नहीं नहीं रंग नहीं उड़ेगा, उसके हाथ काले हो जाएंगे, और मेरी अम्मा तो आशीर्वाद देने के बाद पूरे मुंह पर हाथ फेर देती है, जुग जुग जियो। अरे चल चल। बहनों आपको सही दिशा दिखाने के लिए। ए दिशाएं तो चार ही होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सही दिशा कोई नई दिशा है क्या? ओ सही दिशा, यानी कि अपने रूप सौंदर्य को कैसे सवारे निखारे। तो बहनों आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अपने विशेषज्ञ से। चेहरे की
की देखभाल और त्वचा की खूबसूरती के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन सफाई करने के लिए आप दूध यूज कर सकती, और दूसरा चीज़ है दही ले लो एक चम्मच और थोड़ा नमक, एक चुटकी का नमक डाल के और मसाज करो मुँह के, एंड देन यू कैन रिंस इट ऑफ। बालों को खूबसूरत कैसे बनाएं इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले सबसे सफाई रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हेयर। सो शैम्पू करना चाहिए, बहुत लंबी बाल है, कंडीशनर ज़रूरी, ये से ऐड करना, जस्ट फ्रॉम हेयर थोड़ा कंडीशनर यू कैन यूज़ एंड सफाई कर सकती। ये सुना है मॉनसून में बाल बहुत जलते हैं और गर्म में बहुत अच्छा चीज़ है, थोड़ा दही ले लो, नींबू स्क्वीज कर दो और ये यू नो मसाज इन टू द हेयर। और दूसरा चीज़ है इफ योर हेयर इज फॉलिंग, कोकोनट नारियल का दूध और नींबू स्क्वीज कर दो, आधा नींबू लगा दो सिर के ऊपर ऑन द स्कैल्प, वेट फॉर 4 आवर्स एंड देन शैम्पू विदाउट। है ना, हिंदुस्तान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखें हम ब्राइड्स पर यूज़ करते हैं जब शादी होती है, और जैसे जैसे हमारे जो बाल बूढ़े होते हैं हम अपने बालों पर लगाते हैं। और गुड रेसिपी इज़ अगर आप इसको अपने थोड़े शैम्पू के साथ मिक्स कर ले, इक्वल क्वान्टिटी, जैसे 3 चम्मच शैम्पू और 2 चम्मच हेना को मिक्स करके आप बालों पर लगा ले और थोड़ी देर के लिए रख ले, सो इट 10 मिनट के लिए रख ले और वॉश कर ले, इट गिव्स अ लिटिल गुड कंडीशनिंग। इसके अलावा अगर आप महीने में एक बारी हेना लगा ले तो इट गिव्स अ गुड कलर। पूरा दिन काम करके रसोई में और कपड़े वगैरह धोने से जो हाथों को नुकसान पहुँचता है उसके लिए आप कुछ बताएं? थोड़ा चीनी ले लो एक चम्मच और हाथ में डाल दो और नींबू स्क्वीज कर दो, आधा नींबू, देन ऐसे ऐसे मला दो फॉर 10 मिनट, एंड ये के बाद हाथ सिर्फ धो दो, रिंस कर दो, एंड थोड़ा क्रीम लगाना, आप देखेंगे आपका हाथ बहुत अच्छा और स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। और पाँव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रात को टाइम अच्छा से सफाई करके एंड बना सकती घर में, एक थोड़ा नारियल का तेल ले लो एक चम्मच और कैंडल से थोड़ा मोम लेके थोड़ा लगा दो, और कपूर थोड़ा पिट लगा के और हीट इट अप, और ये एक थोड़ा बॉटल का लगा दो एंड ये यूज़ कर दो यदि पे रात को टाइम, एंड दिन को सवेरे से धो के और सिर्फ थोड़ा लोशन मॉइस्चराइज़र लोशन यूज़ कर दो हेडियो पर, एंड एक हफ्ते के आपका पैर एकदम स्मूथ हो जाएंगे। भाई वाह, ये घरेलू नुस्खे भी काफ़ी काम के होते हैं। मैं तुझे बताऊँ चेहरे को सुंदर बनाने का एक घरेलू नुस्खा? अरे हाँ जल्दी बता, मैं कागज़ पेंसिल लाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत आम बात है, जब दूध का बर्तन खाली हो जाए तो उसमें एक चुटकी हल्दी, गेहूँ का आटा और कुछ बूंदे तेल की डालें, इन सब को मिला के एक पेस्ट जैसा बना ले, फिर उसे चेहरे और हाथों पैरों पर अच्छे से लगा ले। जब ये पेस्ट सूख जाए तो उसे रगड़ रगड़ के छुड़ाएं। इसे हर रोज करें और आपके चेहरे की रंगत देखने वाली होगी, तू तो बिल्कुल ही बदल जाएगी। चोखी, ये तो चोखा ही रुस्का है, हिंग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा, वाह 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 वाह। वैसे एक आदमी ने एक होटल शुरू किया, उस होटल में वो डबल रोटी, चाय, ब्रेड पकौड़ा वगैरह सब बेचा करता था। एक दिन एक कंजूस आदमी उसके होटल में आया, उसने मैनेजर से चाय का दाम पूछा। मैनेजर बोला, देखिए अगर आप यहीं बैठकर पिएंगे तो 5 रुपया, अगर आप होटल के बाहर खड़े होकर पिएंगे तो आधे दाम। तो वो आदमी तुरंत बोला, अगर मैं एक टांग पे खड़ा होकर चाय पीऊं तो? तेरी तो हर बात की टांग तोड़ने की बहुत ही पुरानी आदत है, तो एक काम कर, एक स्टॉल लगा ले, चुटकुलों की बिक्री जोरों पर, बिक्री कर भी नहीं लगेगा। ए अनोखी, एक बात बता, अगर इंसान काम करना शुरू करना चाहे तो किस उम्र में करे? ये शुभ मुहूर्त, ये उम्र, इन सब चीजों से बाहर निकल, जब जागो तभी सवेरा, सबकी मेहनत रंग लाती है, बस काम में जुट जाओ, रास्ता विशेषज्ञ दिखाते हैं और मदद करने के लिए सरकार आती है। तो आइए देखें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस तरह से इस दिशा में हमारी बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सौंदर्य के प्रति महिलाओं की रुचि यूं ही अधिक होती है, और अगर ऐसा प्रशिक्षण हो जो रुचियों को सजा संवार कर और अधिक निखार दे व आमदनी का भी साधन बन जाए तो क्या कहने।
लगेगा सपनों को नई दुनिया मिल गई। यही सपने साकार कर रहे हैं जन शिक्षण संस्थान। सरकार का उद्देश्य जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण देना है जो महिलाओं को स्वावलंबी व आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाए। यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षित लोगों द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों की जानकारी दी जाती है जिससे सीखकर महिलाएं अपना ब्यूटी पार्लर स्वयं खोल सकती हैं, यानी स्वावलंबन की ओर एक बढ़ता कदम है। यही भावना तो आत्मविश्वास को जन्म देती है। आत्मनिर्भर हो तो आत्म सम्मान की भावना सहज ही जन्म ले लेती है। आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण का मूल मंत्र है। अब इनकी आंखों में भी एक नई जिंदगी जीने के अरमान जगे हैं। नए सपने साकार होने की संभावनाएं अंगड़ाइयां ले रही हैं। स्वस्थ समाज साक्षर समाज और सशक्त कर रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ओहो, लगता है अपने हेयर स्टाइल के बारे में सोच रही है। जब लोग यूं ही बिजलियां गिराते हैं तो मेकअप के बाद तो न जाने क्या क्या होता होगा। जब इस बिजली का बिल आता है ना, तब पता चलता है कि कितने वॉट्स की मुस्कान थी। मजनू फिर भी यही गाना गाते हैं, बिल देकर देखो, बिल देकर देखो, बिल देकर देखो जी। और जब बिल देखते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जब धड़कनों का चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर भी उसे बिल थमा देता है। ये अनोखी, अगर हम क्रीम की एक्सपायरी डेट देख लें और ये जान लें कि कौन सी चीज कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम तो हिसाब में हुआ करती है। एक ने दूसरे से पूछा, अगर 2 किलो चावल में 2 किलो दाल मिला दी जाए तो कितना होगा? वो बोला 4 किलो। उस आदमी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये बीच वाली उंगली क्यों मोड़ी? उसने कहा, अरे भाई, अगर चावल और दाल को मिला देंगे तो क्या खिचड़ी नहीं बन जाएगी? खिचड़ी पकाती रहोगी या आगे भी बढ़ोगी? भाई देखो, बढ़ते हुए कदम तो कभी नहीं रुकते। तो आइए देखें कि किस तरह से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अंजू के बढ़ते हुए कदम नहीं रुके। जब शादी हुई मुझे ये पता चला है, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और उनकी सैलरी कम है। उस दौरान तो मतलब थोड़ा बहुत चलता रहा, पर शादी के 4th दिन से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे परेशान किया गया। मेरे हस्बैंड सब कुछ देखते थे पर कुछ कह नहीं पाते थे। मैंने मायके वालों को कहना चाहा तो मायके वालों ने मुझे ही डांटा कि कोई बात नहीं, 6 महीने ऐसे चलता है। एक दिन मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी और मैंने अप्लीकेशन तैयार की। अप्लीकेशन तैयार करने के बाद मैंने उसको छुपके से मैंने रजिस्ट्री की। मैंने वहाँ के ऐसे को कंप्लेन की तो उन्होंने पुलिस भेजी। तो कहते हैं कि आपके घर में कोई अंजू है? तो उन्होंने कहा हाँ है अंजू। तो उन्होंने कहा कि अंजू ने कंप्लेन लिखी है। तो मुझे मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, मेरे जेठ को बुलाया गया। तो कहा कि भाई आप उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो। तो कहते मैं तो नहीं करता, कह रहे उन्होंने कंप्लेन लिखी है, अगर आंधा पीछा आपने टॉर्चर किया, मतलब उनकी जमानत हुई थी। और मैंने मेरे जेठ के, जिठानी के और नंदों के खिलाफ कंप्लेन लिखी थी। तो वो क्या समझ गए थे भाई ये कुछ कर सकती है, तो डर गए मुझसे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ चंद शिक्षा संस्थान में आई, वहाँ मेरी संगीता मैडम से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको कोऑपरेट करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। फिर मैं यहाँ आके सीखा, काफ़ी अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने पार्लर खोला और टच उट पार्लर खोलते ही मेरे पास मेरा पार्लर चलने लगा और उससे मेरे को इनकम होने लगी। जब मैं पैसा कमाने लगी तो ये देखते हैं कि इसके अंदर तो ताकत भी है, ये तो जितना हम लोग बराबर में हिस्सा बांटते हैं हर चीज़ में तो ये बराबर पैसा फेंकती है। मैं अपने हस्बैंड को किसी आगे झुकने नहीं देती थी। मेरे हाथ में इतना अच्छा हुनर है कि मैं लड़के सिखा भी रही हूँ, कर मतलब घर में काम भी करती हूँ और उस दौरान मैं अपने बच्चे परिवार को भी देखती हूँ और डेली मेरी इनकम 800-900 रुपये मैं डेली का कर लेती हूँ। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही दुख हो। मैं उसे इतना एक्सपर्ट बनाऊँगी कि आने वाले टाइम में वो हालातों का सामना करे, कभी किसी के आगे झुके नहीं और आगे ही बढ़ती जाए। कभी दुख में, जैसे कभी किसी के साथ कोई परेशानी हो जाती, घर में छोटे छोटे क्लेश होते, आम बात है, उनको देख कर छोटा सा क्लेश हुआ, किसी ने सुसाइड कर ली, कोई जल के मर गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हाथ में हुनर है तो उन हालातों का सामना करना चाहिए। भाई वाह, इसे कहते हैं जिंदगी की जंग। अंजू ने अकेले और अपने बलबूते पर लड़ी। एक बात तो है, अगर एक बार इंसान ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। औरतों पर अत्याचार करना, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना,
पुरुष अपनी शान समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि औरतों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है तो बस सही दिशा की। एक बार तो उल्टा ही हुआ, एक खूबसूरत लड़की ने चपरासी से पूछा, क्या मैनेजर साहब इस समय मिल सकते हैं? वो चपरासी बोला, औरों से मिलने का टाइम तो मैनेजर साहब का 3 से 4 बजे का है, लेकिन लड़कियों से तो वो कभी भी मिल सकते हैं। और आज सुबह तो अपने घर से इसीलिए वो जल्दी आ गए। आप यहीं पे ठहरिए, मैं उन्हें अभी खबर दे के आता हूँ। तो वो लड़की तुरंत बोली, उनसे कहो उनकी पत्नी आई है। अनोखी, प्यार की एक प्रक्रिया होती है, प्यार पहले अंधा फिर बहरा और बाद में गूंगा हो जाता है। अरे तुझे याद नहीं वो तेरी पड़ोसन, उसने पति के बारे में किया ये गिला कि वो गूंगे हैं, मुझे तो आज ही पता चला। पहले बोलने का मौका तो देती, पहले ही पता चल जाता। बोलता तो है सौंदर्य जिसे देखकर इंसान ठगा सा रह जाता है, पर इस समय बोल रहा है समय कि हमारे जाने का समय हो गया है, आज की मुलाकात बस इतनी। आज जोखी और अनोखी की बातें बस इतनी ही। नमस्कार।